हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि स्पेस में लगातार सैटेलाइट की वजह से कचरा बढ़ता जा रहा है और कचरा इस कदर बढ़ रहा है कि आने वाले वक्त में अगर इसका कोई उपाय नहीं खोजा गया, इसके कोई रिसोर्स नहीं खोजे गए ताकि इनको खत्म किया जा सके, तो आने वाले वक्त में सैटेलाइट लॉन्च करना भी अपने आप में मुश्किल होगा। यहां तक कि मारामारी भी हो सकती है कि हम सैटेलाइट कहां लॉन्च करें। लोग अपनी जगह को लेकर, स्पेस की जगह को लेकर लोग मारामारी कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं जब से ये खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां कूदी हैं, जिसकी वजह से इतने सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं कि ऊपर जगह बची नहीं है। और आने वाले वक्त में यही जो सैटेलाइट होते हैं हमारे लिए परमाणु बम की तरह घातक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाई पे होते हैं, इतनी भारी पे होते हैं कि आने वाले वक्त में अगर इन्हें हटाया नहीं गया, इन्हें पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हमारी धरती पे गिरते रहेंगे और किसी न किसी जगह पे ये खतरा पैदा करते रहेंगे। उसी को देखते हुए यहां पर दोस्तों जो जापान है और नासा है, इन्होंने क्या किया कि मिलके एक योजना बनाई, इस पे काम किया और अगले साल इनकी जो योजना है कि अगले साल तक ये क्या करेंगे कि स्पेस में सैटेलाइट जो लॉन्च करेंगे वो लकड़ी की होगी। यानी कि स्पेस में जो पहली सैटेलाइट ये लॉन्च करेंगे वो किसकी होगी? जो वुड है उनकी होगी। तो इनका पूरा इस पे प्लान है। यहाँ पे मैं अगर आपको इमेज भी दिखा दूं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेजेस हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो छोटे छोटे सैटेलाइट हैं इनको बना रहे हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सैटेलाइट जो होते हैं बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाते हैं। और जो सबसे छोटा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो इंडिया के एक स्टूडेंट ने ही लॉन्च किया था, मतलब उसके सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। और खास करके क्यूब्स, क्रिस्टल क्यूब्स भी सैटेलाइट के फॉर्म में होते हैं जो इनसे भी छोटे होते हैं, उनको वहां पे भेजा जाता है स्पेस में, ताकि जो सूरज की रोशनी आती है, रेडिएशन आते हैं, उनका अध्ययन किया जा सके। क्योंकि उन जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं कांच के, उसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं, ये काफी सारी चीजें इसमें होती हैं, और उनके डीएनए भी रिसर्च करने के लिए सैटेलाइट को भेजा जाता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि ये जो सैटेलाइट अगर आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये वुडन के देख रहे हैं, यानी कि ये छोटे छोटे वुड बॉक्स के फॉर्म में होंगे जो इनिशियली भेजे जाएंगे और देखा जाएगा इनका क्या असर वहां पे होता है। तो पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर वुडन का हम कर रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं ये सब ज्यादा खर्चीला हो सकता है जो खास करके मेटल यूज किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका क्यों यूज किया जाएगा और कैसी किया जाएगा इसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है। आप वो सब कुछ करते हैं जो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बताती है, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर थे, जब वो रिसर्च करते गए तो 100 साल के बाद उन्हें पता चला कि जो टॉप परफॉर्मर हैं, जो टॉप टॉप एथलीट्स हैं, वो फ्लो की स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी कर पाते हैं, कुछ भी नामुमकिन कर पाते हैं। जो टॉपर होते हैं एग्जाम ऐसे ही क्रैक कर पाते हैं क्योंकि वो फ्लो की स्टेट में होते हैं। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि इस फ्लो की स्टेट को किसी भी आम इंसान के अंदर पैदा किया जा सकता है। अब वही थेरेपी दोस्तों हम इंडिया में पहली बार लाए हैं, मात्र 299 में, जब फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों यहां पे हम चले, ठीक है, मैं आपको स्पेस की थोड़ी हालत बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो वुडन स्ट्रक्चर है कैसे काम करेगा, क्यों इसकी जरूरत है। आप अगर हमारा ये धरती देखेंगे, इसके चारों तरफ आप देखेंगे, तो आप समझ लीजिए घेरा बना हुआ है, ऐसे जैसे सैटर्न है, ठीक है, उसके चारों तरफ रिंग बना हुआ है, वैसे आप देखेंगे आने वाले वक्त में अगर ये कचरा साफ नहीं किया गया तो आप देखेंगे एक घेरा हमारे धरती के चारों तरफ होगा जो चक्कर लगा रहा होगा। अब आने वाले भविष्य में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं यहां पे। आप देखेंगे कि अगर दो देश हैं आसपास में, उनको सैटेलाइट लॉन्च करना है, स्टैटिक सैटेलाइट लॉन्च करना है, ताकि जो जितनी स्पीड से धरती घूमे उतनी स्पीड से सैटेलाइट घूमे, ताकि वो उनके धरती की तरफ ही स्टैटिक रुका हुआ रहे। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, जब बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च होंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जरा सैटेलाइट में क्या होता है दोस्तों, जरा सा भी हलचल हुआ तो वहां पे कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, तो आने वाले आगे की जो सैटेलाइट उनको टकराएंगी, फिर उनसे टकराएंगी, ये वहां पे क्या करेंगे, होंगे खराब हो जाएंगे और ये कचरे के फॉर्म में वहां पे जमा हो जाएंगे। इनको लाने का, हटाने का कोई हमारे पास संसाधन नहीं है। अब अगर यही सैटेलाइट दोस्तों आप देखेंगे कि जब यहां से गिरेंगी स्पेस से, आपको पता है 9.8 का जो एस्केलरेशन वर्क करेगा, ग्रेविटी वर्क करेगी, धरती तक आते आते एकदम आग का ये गोला बन जाएंगी, आप समझिए एकदम जीता जाता परमाणु बम बन जाएंगी, जहां भी गिरेंगी भारी तबाही लाएंगी। ऐसी कुछ हलचले देखी भी गई कुछ सालों में, अभी तक लोगों को लग रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब सैटेलाइट खराब हुई, पुरानी हुई, उस राउंड करते करते शिफ्ट होके उन्होंने क्या किया, अपने ऑर्बिट को छोड़ा और वो धरती पे गिरी, काफी जगह ऐसा देखा गया। तो इसी को देखते हुए इसका कोई ना कोई वैज्ञानिकों को निष्कर्ष निकालना था, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया,
कि ऐसी सैटेलाइट बनाई जो लकड़ी की हो। लकड़ी के होने से फायदा क्या है, देखिए यहां पे जो सैटेलाइट यूज की जाती है ना, एल्युमिनियम की जाती है, ठीक है, एल्युमिनियम हुए और हार्ड मटेरियल हुए, तो उनमें खास क्वालिटी क्या है, करोजन इसके अंदर ना हो, ठीक है, ताकि करोजन इसके अंदर ना हो पहला, और दूसरा उनकी स्ट्रेंथ जो हो काफी हार्ड हो। लेकिन अब इनको हम जला नहीं सकते, इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही है। धरती पे है तो ये मुरझा गया, कुछ भी आपने पेंट कर दिया, आपको बहुत उसका यूज नहीं है तो आपने उसको कहीं बेच दिया, वो रिप्लेस होकर कहीं रियूज हो जाएगा। लेकिन स्पेस में जाने के बाद हम सैटेलाइट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि उन्हें हम रियूज कर सके, कोई ऑप्शन नहीं है, ना उन्हें हम ला सके ना कुछ कर सके। लेकिन अगर यही सैटेलाइट लकड़ी की होगी, वुड की होगी, तो यहां पे वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इन्हें हम वहां पे, इनका जब काम खत्म होगा इन्हें हम वहां पे जला सकते हैं, बचेगी क्या राख, वो राख चाहे धरती पे आ चाहे कहीं जाए उसका कोई प्रॉब्लम उससे होने वाला नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उन्हें रिप्लेस करना हमारे लिए आसान होगा। और आने वाले वक्त में वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ही लकड़ियों के सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे। इसमें दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ सैटेलाइट ऐसी हों जिनको, जिनका काम ही हो ऐसा कि जिसमें हमें मेटल यूज करना पड़ेगा, जिनका काम काफी लंबे वक्त तक हो, तो शायद वहां पे वुड का यूज ना किया जाए। वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि हो सकता है लंबे वक्त के लिए, अगर मान लीजिए इसका टारगेट टाइम है 50-60 साल, तो शायद उनका यूज ना किया जाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये खराब भी हो सकते हैं, मतलब इनकी वीकनेस आ सकती है इनके अंदर, इसीलिए ये कुछ परसेंट सैटेलाइट में भी यूज किए जाएंगे। और पहला साल है जो जाक्सा है, जो नासा की जो एजेंसी है जाक्सा, वो क्या करेगी, नासा की एजेंसी नहीं, जापान की एजेंसी, हाँ जाक्सा, सॉरी जो जापान की एजेंसी है जाक्सा, तो वो क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर में पहला सैटेलाइट ये लॉन्च करेगी। अरे सर आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, चलो तो दोस्तों थोड़ा सा वो ठीक है, तो जो जाक्सा था, हाँ तो जो जाक्सा था वो पहले से लॉन्च करेगी, तो ये काफी दोस्तों अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा इसी में दोस्तों, आईएसएस की बात मैं करूंगा। अभी आपने देखा होगा आईएसएस को भी क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, और आपको मैं बताऊं इसको खत्म करने के लिए क्या हमारे पास रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। हम इनको क्या करेंगे, धरती पे ही गिराएंगे इनको धीरे धीरे, इनके ऑर्बिट को हम क्या करेंगे, जब ये बार बार ऑर्बिट को क्या करेगी, राउंड करते करते अपने आर्मी को शिफ्ट करेगी, उन्हें हम कहीं ना कहीं ओसीएम में गिराएंगे। अब ये सोचिए कितना बड़ा खतरा है, एक जो आईएसएस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये इतना भारी है, इतना भारी है, अगर ये डायरेक्ट धरती पे गिर जाए आप समझिए कि एक तरीके से बहुत बड़े एस्ट्रॉइड की तरह ये तबाही लाएगा। तो ये हमारी जो धरती है यहां पर आप देखेंगे एक तरीके से परमाणु बम से ऐसे हम कह सकते हैं यहां से ढकी हुई है, कभी भी कोई भी सैटेलाइट, कोई भी देश भी अगर युद्ध होता है इनका यूज कर सकता है उनको खत्म करने के लिए। लेकिन अगर ये सैटेलाइट लकड़ी की होंगी, वुड की होंगी, तो ये गिरते गिरते भी वहां पे जल जाएंगे, ये भी एक फायदा है। वैज्ञानिक ये कहते हैं इनको हम जला तो सकते हैं, लेकिन अगर ये गिर भी रहे हैं तो गिरते गिरते भी ये जल जाएंगे, आते आते यहां पे हमारे पास क्या बचेगा, रॉक, यानी कि ये टोटल रीयूजेबल, एक तरीके जैसे यहां पे आप देखेंगे जो आज के टाइम में कप बनता है रीयूजेबल है, वैसे ही रीयूजेबल एकदम ये क्या कर रहे हैं कि सैटेलाइट बना रहे हैं, ऐसा सैटेलाइट जहां जाएगा यूज होगा और अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।